तो एक बात और आपके बीच में, जैसा कि आपने कहा मेरा शरीर तो साथ दे नहीं रहा, पर लगे रहा तो खुल जा गला भी। और फिर एक बात सही बाबे पोले बहुत है, जो एक बार ला के कहते बिठाना पड़ा तुमने, क्यों एक बार तो मैं लेन पर चढ़िया करूं और फिर चढ़ गया नहीं एक बार, फिर तो दो और फिर रुका कौन स्टेशन पे कितने भी ब्रेक फेल हो जाए। तो एक भजन और हमारे बीच में, पंडित हरिकेश पटवारी जी बहुत अच्छे कवि हुए गांव धनोरी के, वो समिति भी आई हुई है, उन्हीं की फरमाइश कि हरिकेश पटवारी जी का एक भजन, और उस भजन में हरिकेश जी ने सारा निचोड़ निकाल दिया कि इस इंसान को क्या क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं, साधु के लिए भी निकाल दिया और गृहस्थी के लिए भी निकाल दिया। जो इन बातों पे बंदा अमल कर ले तो उसकी हकीकत में मुक्ति हो सकती है। कैसे?
तो तू ठावे तो तू ठदान तेगरे ठावे तो डारे तो क्रोध डारे दे रोके तो तू हे काम रोक ले हे मारे पाँच मारे दे जीते तो तू मन को जीत ले हारे दसु हारे दे दमन करे तो कर तेरा दो छे में मिला चारे दे दमन करे तो और जावे तो तू सतमार्ग पे सत्संग में आया करे शेक भाग मत तोले घाट तोले तू बांधे तो पाखंड बांध ले खोले पोले पोले तू डोले तो करिए तलाश क्यों व्रत रया डोले तू डोले जावे तो से जावे तो से है चार धाम पे और सत्तीर्थ नाया करे बात में साधुओं के लिए बताया कि साधु कैसे होने चाहिए उनकी क्या सी आदतें होनी चाहिए उनको क्या त्याग करना चाहिए कैसे कमल जूर रहवे तो तू रह कमल वे छोड़ दे झूठे छोड़े दे बने तो बन पूरा पकड़ ला कर जू सुखा खोड़े दे तोड़े तो जड़ जोर जमीन तीनों से प्रीत तोड़े दे और जोड़े तो कोई शब्द भजन सत्यवादी छंद जोड़े दे और
गावे तो हरि केश सदा गुण ईश्वर के गाया करे।